कैसे हैं आप लोग। हमारे दोस्त एक जो है सवाल किए थे हमारे चैनल पे कि किसी एक कंपनी के बारे में, तो आज सोचा मैं कि उनका ही सवाल का जवाब दे दूं और उनके लिए एक वीडियो बना दूं। तो दोस्त देखिए, आप लोग सवाल करते हैं और हम लोग जहाँ तक एबिलिटी होती है कि हम लोग आप लोगों के सवाल को हम लोग एक्यूरेट करके कुछ सर्च करके आपके जवाब दे पाऊँ, तो टाइम लगता है दोस्त हर चीज़ निकालने में, कोई कुछ किसी चीज़ को खोज करने पे थोड़ा टाइम लगता है दोस्त। तो उसके लिए आप लोग नाराज़ ना होइएगा और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि लेट सेट जो भी है हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जवाब दें। तो दोस्तों, हमारे जो साहब हैं उनका नाम ले लूँ पहले, मोहम्मद हामिद साहब जो हैं सवाल किए थे स्काई वेस्ट ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों, मैं उनके सवाल का जवाब जो भी हमारे हमसे हो पाया है, जो भी पॉसिबिलिटी हो पाई है हमसे, हम उसे कोशिश किए हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और हमीद साहब आपके सवाल का जवाब मैं जो भी हमसे बन पाया मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी इस नए हैं चैनल पे, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, किस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, और आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में कि हमें सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। तो हमीद साहब, आप पूछे थे स्काई वे के बारे में, ठीक है, स्काई वे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी के बारे में। तो दोस्त, कंपनी सबसे पहले कंपनी तो है, ठीक है, इसका एड्रेस भी दे दूंगा मैं, इस पे लगा दूंगा, फ़ोन नंबर भी है। अब आपका डाउट क्या है, देखिए इस कंपनी का काम क्या है मैं थोड़ा बता दूँ कि करता क्या क्या है। ये जो है इनके पास प्रोजेक्ट जो है, देखिए ये इनके पास सर्विस जो है, ये स्किल मैन पावर, नॉन स्किल मैन पावर सप्लाई भी करते हैं, ये इनका काम सप्लाई का भी है और मेंटेनेंस है और मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है और बिल्डिंग मेंटेनेंस वर्क है, ठीक है। इसमें कुछ होम सर्विस भी देते हैं शिफ्टिंग वगैरह करने के लिए। और कंपनी जो है बहुत बड़ी नहीं है, कंपनी छोटी मोटी है, लेकिन कंपनी मतलब मेरे नज़र से देखे तो ठीक ही है। अब देखिए दोस्त, आने के बाद ही पता चलता है कि कंपनी का कैसा है। सैलरी देखिए, कंपनी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सैलरी टाइम पे होना, बाकी सब आगे पीछे होता रहता है कंपनी में, वो ऐसा ही होता है हर कंपनी में, लेकिन सैलरी जिस कंपनी में आपको टाइम से मिल रहा है वो कंपनी सही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। बस कंपनी का प्रोफाइल जो है मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, आगे आना और ना आना आपके ऊपर है, जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी किस हिसाब से है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो आने के बाद ही पता चलेगा आपको, दूर से ये सब पता नहीं चलता है मेरे दोस्त। हम लोग एक रिसर्च करते हैं, एक निकालते हैं, इधर उधर से किस लोगों से बात करते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं, फिर आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन आप 100% डिपेंड होना हम पे ये भी गलत है। आप जब तक आएंगे आएंगे काम करेंगे तभी पता चलेगा, और कंपनी कोई बुरा नहीं होता है, बुरा आदमी होता है। अगर आप सही काम करेंगे तो कंपनी आपके साथ सही रहेगा, अगर आप गलत काम करेंगे तो कंपनी आपके साथ गलत रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कंपनी में देखिए दोस्त, इनके पास जो है 440 कंप्लीट प्रोजेक्ट इनका हो चुका है, ठीक है, और ये 100 अवार्ड भी जीत चुके हैं, और 700 इम्प्लाई है इनके पास अभी, 700 इम्प्लाई, 700 इम्प्लाई छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है, लेकिन अगर हमारे कंपनी के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारे कंपनी के हिसाब से बहुत छोटा है ये, ठीक है, छोटी कंपनी है। छोटा कंपनी अक्सर अच्छा होता है क्योंकि आपकी बात सुनी जाती है, आप डायरेक्ट हेड ऑफिस तक जाकर आप बात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी कंपनी जैसे हम लोग जिस कंपनी में है वो बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग हेड ऑफिस आज तक देखे ही नहीं दोस्त, 6 साल होने वाला है, हेड ऑफिस आज तक हम लोग नहीं देखे, हम लोग साइट पे ही है और शायद हम लोग एग्जिट चले जाए और हेड ऑफिस देख पाए। तो छोटी कंपनी अक्सर अच्छी होती है, उसमें आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही पोजीशन भी बढ़ता है। छोटे कंपनियों में क्या होता है कि छोटी कंपनी आहिस्ते 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 बड़ी होती है, आप जितना पुराने होते हैं जितना आप काम करते हैं उस हिसाब से आपका आगे सब कुछ बढ़ता रहता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है और आपका कंपनी भी आपके तरफ भी, उसका कंपनी के भी क्या करता है, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बढ़ाते रहता है, तो आपका सैलरी आपका काम देख करके, तो ये सब चीज़ होते रहता है दोस्त। ये सब देखिए
अच्छा होना ना होना सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका, अब इनमें मैं बता दें कि आपको बता दी, ये जो मेन इनका काम क्या है, ये सप्लाई भी देते हैं, स्किल्ड मैन पावर और नॉन स्किल्ड मैन पावर इसमें है, जिसमें डॉक्टर इंजीनियर नर्स ये सब जो है सप्लाई में देते हैं। ये प्रोवाइड सप्लाई नहीं, ये प्रोवाइड कराते हैं, कंपनी को दे देते हैं, इस तरह से इनका है। सप्लाई भी और नॉन सप्लाई भी दोनों है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है इनका, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क है इनका, ठीक है। इम्प्लाई अब जो भी है, देखिए इनका जो है यहाँ पे स्टीटल खोबरा, इनका जो है अजीजिया रियाद में जो है इनका ऑफिस है। मैं इसका ऑफिस और फोन नंबर वगैरह लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों स्काईवे कंपनी जो भी आना चाहता है उनके लिए ये वीडियो जो है होपफुल रहेगा, आपको फायदा ही होगा। क्योंकि जो भी देखिए, आप इंडिया में बैठ करके चाहे जहाँ से भी हो, उतनी जानकारी नहीं निकाल पाते जितनी जानकारी हम लोग यहाँ है और यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्त वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर इसी तरह का वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारे वीडियो से आप लोगों की जो सवाल है उससे बेनिफिट होता है या नहीं, आपका सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं।